तो आप पहले मैदा लगा लीजिए। किस तरीके से मैदा लगानी है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको मैदा लेनी है, मैदे में डालना है आपको नमक और उसमें डालना है आपको बेकिंग पाउडर, ये दो चीज़ें आपको लगा लेनी है। और अगर आप स्पेशल फ्राइड मोमोज बनाना चाहते हैं तो 1 किलो मैदा में 80 ग्राम अजीनोमोटो पीस के डाल दीजिए, ठीक है। और सर्दी का मौसम हो तो हल्के गुनगुने गर्म पानी से मैदा लगाएं, और गर्मी का मौसम हो तो नॉर्मल पानी से काम चल जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मौसम को देख के काम करें तो और बेहतर काम हो जाएगा। और जिस तरीके से मैदा हम लगा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से आपको मैदा लगाने लिए, ठीक है। इस तरीके से मैदा का लगाने का तरीका समझ लीजिएगा, वरना आप थोड़ी से परेशान हो जाएंगे, आपकी मोमोज की मैदा ढंग से बिलेगी नहीं और थोड़ी चिपकेगी भी। तो आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे ना एक आध बार तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो बिना देखे समझे तो कुछ समझ में आ नहीं चला, तो इसलिए देख लो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये रोज़ का काम है। अगर आदमी अपन अगर सीख रहे हो आप दुकान के लिए तो आप ठीक से देखें ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ अगर आपको कभी कभी बनाने हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, टेढ़े मेढ़े ही बन जाएंगे तो भी आपको क्या समस्या है। मगर आपको एकदम दुकान जैसे बनाने हैं, सीखने हैं बिल्कुल प्रॉपर मोमोज का टेस्ट आएगा ही आएगा, तो इस तरीके से बनाओ जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो बन गया ना एकदम बढ़िया जगह, देखो चिपक गई पूरी मैदा, लच्छेदार हो गए देखो। उसके बाद और थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का हल्का सा पानी मारेंगे और फिर ये पूरी सेट करके बिल्कुल झकास करके रख देंगे हम। ये देखो इस तरीके से आप करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ चीज़ बन रही है। इस तरीके से अच्छे से गूंद के इसे ऐसे तरीके से भी कर लीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद गूंद के अच्छे से इसे हम पन्नी में डाल के रख देंगे। उसके बाद आप ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको मैदा हाथों से गोल कर लेनी है, लंबी करके इस तरीके से। और उसके बाद हाथ इसे लंबी होना ढंग से, उसके ऐसे आप हाथों से पेड़ियाँ तोड़ लें जी इस तरीके से देखिए। और जब सारी पेड़ियाँ टूट जाए उसके बाद सूखी मैदा लेके पूरी पेड़ियों पे डाल दें। कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। और मेरी तरफ से राम राम, जैसे भी हो बढ़िया हो, मस्त रहो, खुश रहो। मुद्दे वाली बात यह है कि आज मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ वेज स्पेशल मसाला मोमोज। जैसे कुछ मेरे भाई लोग कहते हैं कि यार अजीनोमोटो बहुत हेल्दी नहीं होती, हार्मफुल होती है, तो उसके लिए मैंने वेज स्पेशल मोमोज आपको बना के दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये मसाला मोमोज खाने हो, वेज मसाला मोमोज खाने हो, तो मेरी इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इस वेज मसाला मोमोज का आनंद लें पूरे जेन्युइन तरीके से, ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे शिमला मिर्च काट लेनी है दोस्तों, और दोस्तों आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मगर दोस्तों गाजर कम ही डालना क्योंकि इससे मीठी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको हरी मिर्च काट लेनी है, तेल डाल दिया है, ये देखिए हम पहले दोस्तों जीरा डाल दिया हमने, फिर डाल दिया दोस्तों लहसुन, इसे हम भूंज रहे हैं दोस्तों। हम डाले दोस्तों प्याज, इसे दोस्तों थोड़ा भूंजेंगे। ऐसे मिला रहे हैं आपको अच्छे से, इसे भूंजना है दोस्तों। ये देखो दोस्तों हम इसमें गोभी डाल रहे हैं, पलटो फटाफट, हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल रहे हैं, ऐसे मिक्स कर लेंगे हम दोस्तों। हमने हरी मिर्च भी डाल दी है और हम टमाटर डाल रहे हैं दोस्तों, ऐसा मिक्स कर रहे दोस्तों। ये दोस्तों हमने अभी डाली पहले, फिर डाल देता हूँ नमक, हमने मिर्ची डाल दी दोस्तों, ये दोस्तों गरम मसाला और ये धनिया पिसा हुआ दोस्तों, स्वाद अनुसार दोस्तों, ठीक है। हर चीज़
अगर चटक खाते तो चटक खा बनाओ, और नॉर्मल खाते तो नॉर्मल बनाओ। अच्छा फिर मिक्स हो सकते, मिक्स कर लेंगे। ना इसमें पानी डालना है ना कुछ डालना दोस्तों, हमें धीमी गैस पे दोस्तों सेकना है। ये वाली गैस में आपकी मारी दोस्तों कि स्लो पोजिशन दोस्तों इसको हमें करना है, और ऐसे ढक दो थोड़ी देर के दोस्तों, ये अपने आप पक जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों हमने 5 मिनट बाद इसे खोला है, खोल रहे हैं। ये दोस्तों जेन्युइन टेस्ट आया दोस्तों, आएगा तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। 5 स्टार होटल के मोमोज फेल जाएंगे दोस्तों, मेरी गारंटी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी पक गई होगी दोस्तों लगभग। अब दोस्तों ये पक चुकी है, हम इसकी स्टफिंग करेंगे मोमोज में। ये देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट अजीनोमोटो मोमोज दोस्तों, जो किसी ने बताए नहीं होंगे, आज मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों विदाउट अजीनोमोटो मोमोज। दोस्तों ये इतने बेहतरीन मोमोज हैं कि जो लोग कहते हैं कि अजीनोमोटो से दिक्कत होती दोस्तों, तो वही आप बनाएं घर पे आराम से, एक नंबर के बनते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, आसानी से बन जाते हैं। और ऐसे इस तरह दोस्तों स्टफिंग करनी है आपको इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों स्टफिंग करते हुए। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह से स्टफिंग करनी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ऐसे स्टफिंग करनी है आपको दोस्तों, ईजीली स्टफिंग हो जाएगी दोस्तों बिना अजीनोमोटो के। ये देखे दोस्तों, अभी यहाँ रख रहे हैं दोस्तों, हमने स्टीम में पहले तेल लगा दिया था स्टीम। ठीक है दोस्तों, इससे स्टीम में मोमोज चिपक चिपकेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों, पानी डाल रहे हैं आप और मोमोज में स्टीम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारे मोमोज सीख गए होंगे, हम स्टीम खोलने जा रहे हैं, देखते हैं हमारे मोमोज कैसे बनेंगे। ये दोस्तों हमारे मोमोज बिल्कुल तैयार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल झकास मोमोज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही जेन्युइन। ये दोस्तों एक नंबर के मोमोज बने हमारे। तो कैसे हो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।